हेलो गाइस, दिस इज सोनी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, जो अभी चल ही रहा है हम लोगों का। तो कुछ टेंस हमने पिछली क्लास में कवर किया था, आज क्या देखते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसके आगे के जो टेंसेज होंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो एक्टिव का रूल है, मतलब टेंस का ही रूल होता है, देख लेते हैं इसका अफर्मेटिव का। जैसे सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज एवर, और वर्ब कैसी होगी, वी फोर, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करते हैं, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट की जगह क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद क्या यूज करते हैं, वाज एवर वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम बीइंग, वाज एवर मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे, और वर्ब कैसी हो जाएगी, वी थ्री, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप ये देख लीजिए, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा वहां पे पैसिव वॉइस में हमको बीइंग जरूर लगाना होता है। क्लियर। तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर। आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगी, फिर नॉट, वी फोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे उसी को तो किस उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज एवर, और फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज एवर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर निगेटिव वर्ड अगर है तो रखते हैं वरना स्किप करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इसको इंट्रोगेटिव में जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाज एवर को पहले रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, अगर नेगेटिव वर्ड है तो बीइंग से पहले नॉट रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज एवर होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव वर्ड है तो रखेंगे वरना स्किप करेंगे, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड को जो है वही रहने देंगे, फिर वाज एवर लगाएंगे जो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बीइंग, फिर वी थ्री, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आते हैं इसके क्वेश्चन पे। इसको क्वेश्चन, इसका जो, जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं तभी हम लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ जाता है कि किस तरीके से बनता है। तो चलिए बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, द प्यून वाज रिंगिंग द बेल, ठीक है, ये एक्टिव में है, इसको हमको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में इसका अफर्मेटिव में पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस सेंटेंस में, तो द बेल, उसको हम पहले लिखेंगे द बेल, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे। क्लियर। ऑब्जेक्ट लिखा हमने पहले, फिर वाज एवर में से वाज लगाया, फिर आएगी बात बीइंग की, बीइंग लगाएंगे। अब आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब इसमें क्या है, रिंगिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिंग, रैंग, रंग। क्लियर। तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग, फिर बाई, और फिर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, द प्यून, द प्यून, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, नॉट मतलब जो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको जब चेंज करेंगे तो देख लीजिए, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, फिर वाज एवर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अ लेटर, लेटर लिखेंगे पहले हम, उसी के अकॉर्डिंग वाज एवर लगाएंगे तो सिंगुलर है, वाज लेंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब इसमें क्या है, राइटिंग, ये जब थर्ड फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिटन। क्लियर। उसके बाद में, सॉरी, इसमें नेगेटिव वर्ड था तो वाज के बाद हमको यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नॉट यूज करना है, ठीक है। नॉट लगाया हमने, फिर बीइंग, फिर रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट इसमें कौन है, सी, सी सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार वर दे आंसरिंग द क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव में है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, वर को क्या लिखेंगे,
सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जो कि क्या है द क्वेश्चन। सिंगुलर है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो इसी वजह से पहले हम वर लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, बीइंग पे। नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, फिर लिखेंगे हम बीइंग, क्या है वाज एवर पहले लिखा हमने, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, फिर बीइंग, बीइंग लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें आंसर, तो इसका थर्ड फॉर्म आंसर, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट क्या है दे, दे का ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा देम, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द टीचर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो द स्टूडेंट्स, तो डब्ल्यू एच वर्ड को हमने बताया, पैसे में जब चेंज करेंगे तो उसका उसी जैसा है वही रहने देंगे, वाई का वाई ही रहने देंगे। अब वाज ए वर हमको यहाँ पे क्लियर करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल है तो वर लगाएंगे, ठीक है। फिर द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, फिर क्या होगा बीइंग, नेगेटिव वर्ड भी दे रखा तो पहले नॉट लगाएंगे फिर बीइंग लिखेंगे, ठीक हो गया इतना। डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, वाज एवर हो गया, ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स हो गया, नेगेटिव वर्ड है तो नॉट हो गया, फिर बीइंग, अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म इसमें वर्ब क्या है टीचिंग, टीचिंग का थर्ड फॉर्म टाट, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे बाई, बाई अब सब्जेक्ट कौन है इसमें द टीचर, ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देंगे द टीचर की क्वेश्चन मार्क, क्लियर। हु वाज बीटिंग माई डॉटर, ठीक है। अब हु वाला सेंटेंस आप जानते ही हैं कि हु जब बनेगा तो बाई होम से बनेगा, किससे बनेगा बाई होम, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज एवर लगेगा, तो इसमें माई डॉटर सिंगुलर है तो वाज लगेगा, बाई होम वाज माई डॉटर, ठीक है, बाय हुम वाज माई डॉटर बीइंग, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर।